कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, बहुतों को याद भी होगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबका सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहने हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ऐ मेरा मित्र मन फकीरी में लगो। फकीरी क्या है? निश्चिंतता, सब समय सब तरफ से निर्भय और निश्चिंत रहना। आदमी के दिमाग पर हर समय कोई ना कोई चिंता सवार होती है, और चिंता केवल अज्ञान की उपज है। चिंता करने से आज तक किसी का कोई काम बना है? चिंता से केवल नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान। चिंता में डूबा आदमी जीवन का आनंद नहीं ले सकता, किसी चीज का आनंद नहीं ले सकता। सब समय चिंता छोड़ करके जिए। जो होनी है, जो प्रारब्ध है, वो होकर के ही रहेगा। उसे कौन टाल सका है, कौन रोक सका है? अपनी ओर से जो सहज कर्तव्य है, विवेक पूर्वक वो करते चले। अरे विश्वास रखें, जिंदगी भर आपको खाने के लिए भोजन मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे और रहने को जगह मिलेगी। भोजन, कपड़े और निवास, ये तीन आदमी की प्रमुख आवश्यकता है। ये तीनों जिंदगी भर मिलते रहेंगे तब चिंता क्यों? यह न छूटे, वह न छूटे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो क्या आपकी चिंता करने से छूटने वाली चीज अब छूटेगी नहीं? बिगड़ने वाली चीज बिगड़ेगी नहीं? मरने वाला आदमी क्या मरेगा नहीं? सब कुछ तो होना है। चिंता करने से यदि बिगड़ा काम बन जाता
तो चिंता करो, बल्कि काम और बिगड़ जाएगा। अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखें। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दो हमारे साथ हैं। पुरुषार्थ हमारी आज की मेहनत, जीवन भर मेहनती बन करके रहे, लोगों के सहयोग से काम करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, लेकिन सदैव दूसरे के भरोसे रहोगे तब काम पूरा नहीं होगा। किसी कभी कभी दूसरे के लिए से काम करवाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी निगरानी की आवश्यकता होती है। बिहार का भौतिक क्षेत्र का पूरा काम आदमी नहीं कर पाएगा, सहयोग चाहिए। लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे, दूसरा हमारा कब तक करेगा? साहब ने तो कहा है, जो लो कर डोले पहुँचाले तो लो आस न कीजिए। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है, तब तक किसी पर भी विश्वास न रखो। मतलब दूसरे का सहारा मतलब मेहनती बन करके रहो। तो सब समय मेहनती रहो, लेकिन भाग्य प्रारब्ध है, इस पर भी समझें। दुनिया की वस्तुएं, भौतिक ऐश्वर्यों की उपलब्धि और प्राप्ति, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कई बार कुछ लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन भर गरीबी में जीते हैं। अधिक धन उसके पास इकट्ठे नहीं हो सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, मेहनत थोड़ी करते हैं और खूब आगे बढ़ जाते हैं, भौतिक वैभव ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। क्यों? पुरुषार्थ तो है वर्तमान का, अदृश्य प्रारब्ध भी उसके साथ है। तो धन, पद, ऐश्वर्य, ये सब प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। लेकिन आत्मशांति का काम, कल्याण का काम, दुख निवृत्ति का काम केवल पुरुषार्थ पर निर्भर है। उसके लिए भाग्य नहीं है। किसी के भाग्य में साधु होना लिखा नहीं है, किसी के भाग्य में मोक्ष पाना लिखा नहीं है। उसके लिए आज हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। हम ना चाहें तो दूसरा हमारे लिए खेती कर सकता है, हम ना करें दूसरा हमारे लिए भोजन बना सकता है, मकान बना सकता है, दुकान कर सकता है। हमारे लिए दूसरे लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई दूसरा आदमी मोक्ष का, दुख निवृत्ति का, कल्याण का काम नहीं कर सकता। वह काम स्वयं को करना होगा। दुनिया के सारे काम में पब्लिक लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन कल्याण का काम प्राइवेट लिमिटेड है। छत्तीसगढ़ी में कहें कल्याण का काम पोगरी काम है, अपने को करना पड़ेगा, किसी और का सहयोग नहीं होगा इसमें। लेकिन होता क्या है, भौतिक क्षेत्र का काम हम स्वयं करना चाहते हैं और कल्याण के लिए भगवान कर देगा, गुरु की कृपा हो जाएगी।
भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, सबकी कृपा है, लेकिन जब तक अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तब तक किसी की कृपा काम ना आएगी। कोई कृपा करके आपको पैसा दे देगा, कृपा करके आपको मकान दे देगा, कृपा करके आपको गाड़ी दे देगा, कृपा करके आपको गहने दे देंगे, कृपा करके आपको कपड़े दे देंगे, लेकिन कृपा करके आपको मोक्ष नहीं दे पाएगा। कृपा करके आपके दुख को कोई दूर नहीं कर पाएगा। तो कल्याण मोक्ष दुख निवृत्ति का काम केवल हमारे आज के पुरुषार्थ पर निर्भर है, मेहनत पर, साधना पर निर्भर है। कल्याण की चिंता कहाँ होती है? जरा सोचें, जिसकी जितनी उम्र है सबके मन में तो यह हुआ होगा, किसी के मन में कभी हुआ, किसी कम ज्यादा, क्या करें, इतनी उम्र बीत गई, इतना पैसा नहीं कमा पाया, ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाया, अमुक जगह जाकर के देख नहीं पाया, अमुक चीज खा नहीं पाया, कभी ऐसी चिंता हुई कि क्या करें, इतनी उम्र बीती, आज तक कल्याण का काम नहीं कर पाया, इतनी उम्र बीत गई, इतने दिन हो गए सत्संग करते करते, सदग्रंथों का अध्ययन करते करते, संतों गुरुजनों की संगत में रहते रहते, आज तक जैसा मन निश्चिंत होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, वैसा मन नहीं बना पाया। आज तक अपने बंधनों को काटने का काम नहीं कर पाया। कितनी बार सोचे इसके लिए, सब समय केवल बाहर बाहर, और बाहर की बातों को जितना सोचेंगे चिंता उतनी बढ़ेगी, भय उतना बढ़ेगा, फकीरी, निश्चिंतता और निर्भयता, जिसे अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है वो फकीर नहीं होता, साधु साधक महात्मा नहीं हो सकता। कपड़ा पहन लेना अलग बात है, सारी चिंताओं से परे दशा है फकीरी। फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी का पीर, फिकर की फंकी करे ताका नाम फकीर। चिंता सबको परेशान, सबको परेशान कर रही है। गृहस्थी में चिंता है, कितने लोग कहते हैं क्या करें महाराज, शादी हुए 5 साल 10 साल हुए आज तक बच्चे नहीं हुए, साधु कहते हैं महाराज क्या करें महाराज 10 साल हो गए साधु हुए आज तक कोई चेला नहीं बना, बात उतनी वही हो गई। गृहस्थ लोग कहते हैं क्या करें महाराज, बहुत काम कर रहे हैं, मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, आज एक मकान नहीं बना पाया। साधु कहते महाराज क्या करें 20 साल हो गए साधु बने, एक आश्रम भी नहीं बना पाया। ये चिंता तो है, चिंता रूप बदल करके हर जगह आ जाते हैं। फकीरी, सारी फिक्र से ऊपर उठ जाना, निर्भय निश्चिंत, सब में प्रसन्नता में जीना, और प्रसन्नता बाहर नहीं है, अमीरी में प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता राम भजन में है। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। अमीरों का जो सुख है देखने मात्र का है, अमीरी का सुख सेमल के फूल के समान, न उसमें सुगंध न उसमें कोई ऐसा फल जिसे खाया जा सके। अमीरी में सुख होता तो दुनिया के सारे अमीर एकदम सुखी हो गए होते, लेकिन जितनी चिंता जितना दुख गरीबों को है उतना दुख अमीरों को है, बस सब रूप बदल जाता है।
बाहरी वैभव ठाट बाट आप कर सके, सुविधा आप ले सकते हो, लेकिन सुख नहीं ले सकते। अमीरी जितनी बढ़ती जाती है, वैभव धन दौलत जितने बढ़ते जाते हैं, चिंता उतनी बढ़ती, भय बढ़ता, अविश्वास बढ़ता है, संदेह बढ़ता है। राम भजन में सुख, इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे का तिरस्कार, पैसे का तिरस्कार नहीं है या बाहरी चीजों का तिरस्कार नहीं है। पैसा हो, मकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, अन्य और चीजें हो, ये सब जीवन निर्वाह के साधन है, ये आवश्यकताएं हैं, सुख के साधन नहीं है। सुख बाहर कहीं है भी नहीं, बाहर जो सुख मिलता है वो आभास मात्र है। जैसे मृग तृष्णा में गर्मी के दिनों में दोपहर के समय सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर, तो दूर ऐसा लगता है कि मानो पानी का सागर लहरा रहा है, पानी का आभास होता है, प्रतीति होती है, वहां पानी होता नहीं है। लेकिन प्यासा हिरण उसे पानी समझ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है, और जितना दौड़ता है वो प्रतीतमान पानी का सागर आगे आगे खिसकता चला जाता है। ऐसे ही है दुनिया की अमीरी का सुख, बाहर से मिलने वाला सुख आभास मात्र। सुख राम भजन में है, राम भजन मन की निर्मलता, आत्मा का ज्ञान, स्वयं का बोध और मन की निर्मलता, संतोष, निर्भयता, निष्कामता, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। कुछ नहीं चाहिए, शाहनशाह है आप। चाहना आदमी को दरिद्र बनाती है, चाहने से चीज मिलती भी नहीं है, परिश्रम से चीज मिलती है। काम करें जब जिसकी आवश्यकता होगी आपको, जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते, वो चीज आपको मिल करके रहेगी, ये विश्वास रखो। बस हाथ पैर मारते रहो, सोच लें बीते हुए जीवन में जिसके बिना आपका जीना असंभव हो गया, वो चीज आज तक आपको मिली है या नहीं मिली है। आज तक मिली है तो आगे नहीं मिलेगी, लेकिन चाहना कर करके देख, दूसरे के पास की वस्तुओं को देख देख करके ललचा रहा है मैं, हमारे पड़ोसी के पास यह है, हमारे पास होना है। जब तक वो चीज पड़ोसी के पास नहीं थी, बड़े भाई के पास नहीं थी, तब तक उसके लिए हमारा मन दुखी नहीं था। और जब पड़ोसी के पास आ गया, बड़े भाई के पास आ गया, परिवार में किसी के पास आ गया, तब हमारे पास क्यों नहीं हुआ, बस दुख यहां से हुआ। चाहना करके, तुलना करके, देख करके, जितनी ललचाओगे बाहर की चीजों को देख देख करके, उतना दरिद्र बनोगे और दुखी बने रहोगे। ललचाओ मत, मेहनत करो, जरूरत पड़ेगी चीज मिल जाएगी, लेकिन ललचाने की आदत, देख देख करके आदमी दुख भोगता रहता है। कितना भी आगे बढ़ जाओ, आपसे बड़े आदमी, आपसे संपन्न आदमी, सुविधा वाला आदमी मिल ही जाएंगे, तब क्या करोगे? राम भजन, राम भजन निष्कामता,
मन की अंतर्मुखता, मन की चंचलता नरक बनाती है। मन की चंचलता मिटा दो, बस यही राम भजन है। स्वयं का बोध है, बस मन अंतर्मुख है, राम भजन है, वो सच्चा सुख उसमें मिल गया। अमीरी का सुख देखने मात्र का सुख है। हाय हाय करते करते जिंदगी बीत जाएगी। जितने अमीर हैं क्या कर रहे हैं जरा सोचो। आपको सोने के लिए एक खाट की जरूरत है। अमीरों को कितने खाट चाहिए सोने के लिए? थोड़ा सा उनका खाट बढ़िया, उनका पलंग बढ़िया लकड़ी का बना होगा, गद्दा थोड़ा सा महंगा होगा, और कुछ होगा। आपको एक बार में पहनने के लिए एक पैंट चाहिए, एक कुर्ता चाहिए। अमीर एक बार में कितने कुर्ता पहनेंगे? पांच। ये समान घर की महिलाएं एक बार में एक साड़ी पहनकर रहती। अमीर घर की महिलाएं एक बार में पत्पत साड़ी पहनती होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब अलग अलग। कैसा होता है? आवश्यकता सबकी एक बराबर है। अमीर है कोई क्या अपनी अमीरी को लेकर के घूमता है? उसका पैसा कहीं बैंक में होगा, सोने के रूप में कहीं रखा होगा लाकर में, किसी फैक्ट्री के रूप में होगा, किसी जमीन के रूप में होगा, मकान के रूप में होगा। जहां है वहां जब 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 याद होगी तब लगेगा कि मैं इतना अमीर हूं, इतना पैसा मेरे पास है। याद नहीं है तो चीज होते हुए भी कुछ नहीं है। मान लिया जाता है क्या अमीरी, अमीर लोग अपनी अमीरी को कंधे पर उठाकर घूमते हैं? अमीरी का खंडन नहीं है, लेकिन अमीरी में जो सुख है यह भ्रम का खंडन है। सुख में नहीं, अमीरी में सुख होता। बुद्ध और महावीर रात पार त्याग करके विरक्त क्यों बनते? गोपीचंद, भर्तृहरि, अनेक राजा रात पार त्याग करके विरक्त क्यों हो जाते? भीख मांग करके गुजर क्यों करते? उन लोगों ने देख लिया था कि अमीरी का सुख केवल दिखावा मात्र है, भ्रम मात्र। भजन में सुख है। मीराबाई राजपुत्री, राजरानी, लेकिन क्यों संतों के बीच घूमती रही? असली धन आपका राम भजन है। ये रुपये पैसे असली धन नहीं है, व्यवहार की चीजें, निर्वाह की चीजें हैं। जब राम धन समझ में आ जाएगा तो बाहर के धन को देखकर ललचाना बंद हो जाएगा। तो वैभव में, भोग विलास में सुख नहीं है, तृष्णा है, वासना की वृद्धि है, मन की चंचलता है, उद्वेग है, संसार की धारा में बहना है। वास्तविक सुख है राम भजन में, आत्मलीनता में, संतोष में, निष्कामता में, अंतर्मुखता में। भली बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कोई जैसा भी कहे सुन लो, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, उलझो मत। उलझने की हमारी आदत, अपने को हम जितना बड़ा आदमी मानेंगे
बड़ा आदमी क्यों मानेंगे? हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना बड़ा मकान है, हम ऐसे विद्वान हैं, हम ऐसे त्यागी बैरागी हैं। दुनिया की चीजों से हम जितना अपने को जोड़ते जाएंगे उतना अहंकार बढ़ता जाएगा और उतना ही अपमान महसूस होता जाएगा। सहज रहें, हम केवल एक मनुष्य हैं बस। मनुष्य बनकर जीने में ही कुशलता है। जो एक मनुष्य बनकर के जिएगा उसको कहीं अपमान का बोध नहीं होगा। अहंकारी बनकर जिएंगे सब समय अपमान का बोध होता जाएगा। साहब कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए। कोई तुम्हारी निंदा आलोचना कर रहा है सुनो चुपचाप, जवाब मत दो। निंदा को मारने का बढ़िया तरीका है मौन रहना। किसी ने निंदा कर दी, गाली दे दी, हम दुखी हो गए। मान लो हम बहरे होते, हमें सुनाई नहीं पड़ता और हमारे सामने ही आ करके कोई हमें गाली देता, दुख होता? फिर तो हम निश्चिंत रहते, क्या कर रहा पता नहीं चलता। ये बनना पड़ेगा। एक जिज्ञासु साधक एक महात्मा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैं सुख से प्रसन्नता से शांति से जीना चाहता हूं और साथ साथ कल्याण का काम करना चाहता हूं। जब तक जीऊं सुख शांति से जीऊं, उलझन ना आए, उलझे ना मन, और कल्याण का काम कर सकूं, क्या करूं? महात्मा ने कहा यदि जीवन भर शांति और सुख से जीना चाहते हो, कल्याण का काम करते हो, तो अंधा गूंगा बहरा बन जाओ बस। अंधा बनेगा दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं बहुत देखो मत। आपका ही बेटा है, आपका ही नौकर है, आपका ही साथी है, हर समय देख उसके देखते रहोगे कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहे हो, परेशान हो जाओगे। राय दे दो गलत का कर रहा है तो रोक दो, लेकिन हर समय निगरानी करते रहोगे कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जी नहीं पाओगे। हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, बहरा बन जाओ। दुनिया जिसके जिसको जैसा अच्छा लगेगा वैसा वो कहेगा, और गूंगा बन जाओ, किसी को बुरा मत कहो। जब भी उत्तेजना आए मन में उस समय गूंगा बन जाए, कहां क्लेश होगा। लेकिन हम सही बात कहने में तो गूंगा बन जाते हैं और गलत बात कहने में हर समय हमारा मुंह खुला रह जाता है। सही बात सुनने के लिए हम बहरे बन जाते हैं, एक निंदा चुगली की बात सुनने के लिए, राग रंग की बात सुनने के लिए हमारी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। संत महात्मा दुनिया में अनेक जगह अच्छे काम हो रहे हैं, वहां हम नहीं देख पाते कहां कहां कौन गलती कर रहा है। इसके देखने के लिए हमारी दृष्टि बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। अपना बनाया रोग, अपना बनाया दुख, दूसरे को यदि कल्याण का काम करना है अंधा बनो, दूसरे के दोष बुराई को देखना बंद करो। किसमें क्या क्या दोष, अपने दोष देखो। दूसरे में जो बुराई है वो बुराई हम में भी तो है, और उससे कई गुना ज्यादा बुराई है। वहां दृष्टि नहीं है, सब पर इसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई, उसमें ये बुराई।
जितना सोचोगे उतना ही दुखी रहोगे, अशांत अंधा बनो। दूसरे के दोष दुर्गुण बुराई को मत देखो, उसकी बात मत सुनो, उसकी चर्चा ही मत करो, बस मन प्रसन्न। जितना गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत बोलेंगे, उतना हमारा मन अशांत रहेगा, उद्वेगित रहेगा और हम सुख से जी नहीं पाएंगे। सदगुरु कहते हैं भला बुरा सबका सुन लीजिए, सबका सुनो, सबका सुनो और सबको धन्यवाद। प्रसन्नता कर रहे हैं उनको धन्यवाद, गाली दे रहे हैं उसको भी धन्यवाद। कौन बिगाड़ सकेगा? लेकिन ये कहना बहुत सरल है, सुनना भी सरल है, कठिनाई जीने में है, लेकिन आनंद और मजा भी जीने में ही है। सुनने में और कहने में मजा नहीं है, वो तो कहना सुनना एक व्यवहार है। जब ऐसा हमारा मन बन जाए फिर हमारे आनंद के जीने में बाहर कहीं बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद, आनंद की लहरें उठती रहेगी बराबर। किसकी जबान को आप बंद करोगे? अपनी जबान बंद कर सकते हो, उस पर अधिकार है, वो तो बंद नहीं कर रहे हो, और दूसरों पर अधिकार नहीं है, उसको बंद करने सोच रहे हैं, ये तो यही तो अज्ञान है। इसलिए जो जैसा कहते हैं सबको धन्यवाद, सबका सहो, बिना सहन किए दुनिया में सुख से जिया ही नहीं जा सकता है। कर गुजरान गरीबी में, कहते गरीबी में गुजर करो, जब जो मिले उसमें संतोष, चाहो मत ऐसा भोजन, भोजन करने बैठो जो मिल जाए, शरीर प्रकृति के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, हानिकारी ना हो, बस खा लो। ऐसा चावल होना चाहिए था, ऐसी सब्जी होनी चाहिए थी, ऐसी मिठाई होनी चाहिए थी, दिमाग खराब करना है। गरीबी मतलब सादगी में जिए, दिखावा रहित, दिखावा में न पड़ो। दिखावा करके क्या करोगे? जितना सादा से सादा रहा जा सकता है सुख उसी में। कोई आपको ना माने, आप सोचो कि हम सादा रहेंगे, सादा कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें छोटा आदमी समझेंगे, तो आपको नुकसान क्या हो जाएगा? बड़ा आदमी आपको समझ लेंगे, आपका फायदा क्या हो जाएगा? अहंकार बढ़ जाएगा। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि छोटे बने रहने में ही आनंद है, बड़े बने रहने में आनंद नहीं है। एक गुरु ने अपने एक चेला से पूछा, चेला थोड़ा भोला भाला था, उससे पूछा बताओ तुम चेला बनकर रहना चाहोगे, सेवक बनकर रहना चाहोगे कि महंत बनकर रहना चाहोगे? क्योंकि क्या क्या अंतर है दोनों में, चेला बनकर रहने में, महंत बनकर, गुरु बनकर रहने में अंतर क्या है? कहा कि जब चेला बनकर रहोगे तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन मानना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा और ये सब काम करना पड़ेगा, ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, कोई कोई कहे तो वहाँ उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। और महान बनकर, गुरु बनकर रहोगे तो एक जगह चुपचाप बैठे रहोगे, सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हें सेवा, सब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, बर्तन नहीं मानना, सब काम नहीं करना पड़ेगा, तब तो मैं महान बनकर रहूंगा। लेकिन गुरु ने कहा चेला बनकर रहोगे, काम धाम कर दिए निश्चिंत, महान बनकर रहोगे, 10 जने आएंगे तो उनके लिए आटा लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, अरे बेटा तब तो चेला बने रहने में ठीक है, हर जगह तो मुसीबत है ना, बड़ा बनकर रहने में कठिनाई है, छोटे बनकर रहने में छुट्टी झंझट है।
झंझट है ही नहीं, कर गुजरान गरीबी में, साहब सादगी में गुजर करो, दिखावा रहित जीवन जियो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। सतगुरु कबीर कहते हैं हमारा रहना प्रेम नगर में हो रहा है। प्रेम नगर में है रहना है, कोई दुश्मन ही नहीं है। जहां प्रेम है वहां दुश्मन कहां, वहां प्रेम है वहां बैर कहां। कोई दूसरा बैर करता है वो जाने, कोई दूसरा हमसे दुश्मन ही करता है वो जाने, उसको बैर करने में दुश्मन करने में आनंद आ रहा है, उसमें कल्याण मानता है, उसकी समझ वैसी है। हमारे मन में होना चाहिए सबके लिए प्रेम। कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है उसके लिए भी कल्याण कामना करो कि शांति से जिए, कल्याण का काम करे। प्रेम में द्वेष भाव, बैर भाव, विरोध भाव मिट ही जाता है। इसलिए साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम के ढाई आखर को जो प्रेम को पढ़ता है वो पंडित है। प्रेम पाठ का चोरना पहर के बीनु नाश, जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। प्रेम पूर्वक व्यवहार में कलह नहीं है, विवाद नहीं है, द्वंद्व नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की भावना नहीं होती। जहां लेने की भावना है वहां प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, व्यापार है। प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम में यह नहीं देखा जाता कि जिसे मैं प्रेम कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या कर रहा है, दूसरा मेरे लिए क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, ये देखा नहीं जाता। जहां ये देखे कि सामने वाले को मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, वहां तो प्रेम गायब, वहां व्यापार है। इसलिए प्रेम केवल देना जानता है, प्रेम में केवल समर्पण होता है, उत्सर्ग होता है, त्याग होता है, उसमें कोई कलह नहीं है। शांत निश्चिंतता प्रेम नगर में रहनी हमारी। इसका मतलब साहब कहते हैं जो करना है, जो मिलते हैं सब प्रेम पूर्वक, कोई भी काम करो प्रेम पूर्वक, जो मिलते हैं उनसे व्यवहार करो प्रेम पूर्वक, निर्भय मन, निश्चिंत मन, यही तो फकीरी है। साधु के लिए कौन मित्र और कौन शत्रु, सब उसके लिए मित्र हैं। भली बनी आई सबूरी में, सदगुरु कहते हैं सबूरी संतोष में अच्छा काम बन गया। जितना संतोष रखें उतना आनंद, जितना असंतोष उतना क्लेश। संतोषी आदमी बादशाह, संतोष में कभी कमी का अनुभव होता नहीं लगता है। जितना मिला है बहुत मिला है, आवश्यकता से ज्यादा ही मिला है। असंतोष में लगता है कि जितना मिला है कम मिला है, जितना चाहिए उतना नहीं मिला। असंतोष की आग आदमी को सदैव जलाती रहती है। इसलिए भागवतकार ने कहा दरिद्रो यस्त असंतुष्ट। दरिद्र कौन, जो असंतुष्ट है। अरबपति नहीं खरबपति भी है और असंतोष है तो दरिद्र है, और कुछ नहीं है संतोष है तो बादशाह। सच्ची बादशाहत संतोष में है। असंतोषी आदमी और दरिद्र। एक महात्मा को कहीं तो कुछ पैसे मिल गया,
सोचेगी क्या करूं इस पैसे को, मैं रखना बेकार है, भय बना रहेगा। एक दूसरे महात्मा से पूछा कि मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं, क्या करूं? कहा किसी दरिद्र को दे देना, जो लेकिन जो सबसे बड़ा दरिद्र हो उसको देना, छोटे दरिद्र को मत देना। खुदता रहा, एक भिखारी मिला, सोचा इधर दे दो, लेकिन सोचा इससे भी बड़ा भिखारी हो सकता है। लिए लिए घूमते रहा कई महीना। एक दिन एक शहर से होकर के जा रहा था, तो वहां का राजा हाथी पर सवार अपने फौज फक्कर लेकर, हथियार लेकर के पड़ोस के दूसरे राजा पर हमला करने जा रहे थे। महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखे पूछे तो महात्मा ने पैसा राजा के पास फेंक दिया। राजा ने पूछा ये क्या है? तुम्हारा पैसा था मेरे पास, मुझे जरूरत थी नहीं, तो मैंने एक महात्मा से पूछा था कि क्या करूं, कहा था कि जो सबसे बड़ा दरिद्र हो उसको देना, तो मैंने सोचा आपसे बड़ा दरिद्र और कौन मिलेगा, इसलिए आपको दे दिया। राजा ने कहा कि मैं दरिद्र हूं, मेरा दरिद्र तो ही है। कहा राजा ने कहा मैं एक पूरे देश का राजा हूं, कितने को पालता पोतना हूं। महात्मा ने कहा आप इतने बड़े देश के राजा हो, संतोष नहीं है, पड़ोसी राजा जीतने के लिए जा रहे हो, इसे बड़ा दरिद्र और कौन होगा जो अपने राज बढ़ाने के लिए निर्दोष निरपराध निरीह लोगों की हत्या करे, वही तो सबसे बड़ा दरिद्र है। तो असंतोषी आदमी दरिद्र, दुख दुख दुख, भली बनी आई सबूरी में। साहब कहते हैं सबूरी संतोष में आनंद है, सब काम पूरा, सब काम पूरा। संतोषी आदमी सुख की नींद सोता है, सुख से खाता है, सुख से जीता है, सुख से ब्याह काम करता है। संतोष का मतलब यह मत समझो कि आलसी बन करके बैठ जाना। संतोष का मतलब होता है समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करना, और उस परिश्रम में जब जितना जैसे जो मिल जाए उसको पूरा मानना। मेहनत न करने में कोई कमी नहीं, लेकिन जब मिले जितना मिले पर्याप्त, ये संतोष है। क्लेश नहीं होगा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, कुंडी कूड़े कुड़ी पात बर्तन भिक्षा पात्र, हाथ में भिक्षा मांगने का पात्र है और बगल में एक छोटा डंडा है, बस इतनी मेरी संपत्ति है, लेकिन सब तरफ मेरी जागीरी, सब तरफ मेरा राज, जहां जाओ छुटने का कोई भय ही नहीं, चोर आएगा तो चुराएगा क्या, सुकिनी सो मस्त, चाह नहीं जे पास में होवे कौन आकाश। जिसके पास कोई चाहना नहीं होते कौन आकाश है, निश्चिंतता त्याग में है। जहां कोई चीज आई जिस मात्रा में आई भय बढ़ा। सोचो आपके पास जेब में कुछ रुपये नहीं है, बिल्कुल खाली जेब, शाम का समय है, अंधेरा होने लगा है, सुनसान रास्ता आपको चलना है, आपको भय नहीं होगा, पास में कुछ है ही नहीं, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, रास्ता जहां जितना सुनसान हो आपको भय नहीं होगा। लेकिन आपके जेब में 500 रुपया हो जाए तो थोड़ा सा भय हो जाएगा कि 500 रुपया मेरे जेब में है, कोई आदमी मिलेगा तो छीन ना ले, थोड़ा भय होगा। और 5000 हो तब भय घटेगा कि बढ़ेगा? और बढ़ जाएगा भय।
50,000 हो तब तो बस हमें तो ताकते तो घूमेंगे आगे पीछे दाएं बाएं सुनता रास्ता है अंधेरा है कोई आदमी आ ना जाए। अब 5,00,000 हो तो रास्ता चलने बंद कर दोगे। तो पैसा ने आपको निर्भय किया कि भयभीत किया? पैसा नहीं था तो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, अब पैसा हो गया तब हाथ तो हिल तो रहा है लेकिन फिर मन दशा कुछ और हो गई है। वो कहानी याद करें, जंगल के दूसरी तरफ एक कुटिया थी, गुरु शिष्य दोनों वहां रहते थे। सुबह होती थी कुछ अपना ध्यान भजन पूजा करके जंगल के उस तरफ जहां गांव था वहां जाते थे भिक्षाटन के लिए। अलग अलग जाते थे, गुरु अलग शिष्य अलग जाते थे, शाम को दोनों इकट्ठे होते थे फिर आते थे अपना फिर बना खा करके फिर खाते थे आराम मस्त रहते थे। ऐसा समय बीत रहा था। एक दिन दोनों भिक्षा मांगने गए, दिन भर भिक्षा मांगे, शाम के इकट्ठे हुए लौटे, अंधेरा होने लग गया था। तो गुरु ने कहा शिष्य से, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी चलो अंधेरा हो रहा है ज्यादा। शिष्य ने सोचा कि एक को दिन गुरु जी नहीं कहते थे कि अंधेरा हो रहा है जल्दी चलो, आज क्या बात है। शिष्य तो मस्त और धीरे धीरे चलने लगे, खुद चला देखा गुरु तो ने देखा कि शिष्य तो बहुत पीछे रह गए, आगे बेटा अंधेरा हो जाएगा रात हो जाएगी जल्दी चलो। फिर आगे बढ़े वैसे चाल से चलते रहे। गुरु ने फिर तिबारा कहा रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा चलो जल्दी चलो कुटी में पहुंचने में समय लगेगा। थोड़ा शिष्य आगे चले तेजी से मिले बीच में जंगल के बीचों बीच एक कुआं बना था, रोज वहां रुकते थे पानी निकालते थे हाथ पर धोते थे शौच मैदान जाते थे आराम करते थे तब आगे बढ़ते थे। दोनों वहां गए पानी निकाला चले गए, गुरु थोड़ी दूर चले गए शिष्य नजदीक में आ जल्दी जल्दी देखे कि गुरु जी क्या बात है यार। तो देखते क्या है, गुरु की झोली में सोने की 3 अशर्फियां पड़ी थी। कहा बस यही अंधेरा है। शिष्य ने निकाला और कुएं में 3 अशर्फियां डाल दिया और इसे गोल गोल चीज खपरेल बना कर फिर गठरी बांधकर रख दिया, बैठ गए। गुरु आए हाथ पर धोए चले आगे। तो गुरु ने फिर कहा बेटा जल्दी चलो अंधेरा है ज्यादा हो गया है रात ज्यादा हो जाएगी। तो गुरु ने तो सीधे कहा गुरु जी अंधेरे के मैंने कुआं में डाल दिया है देखते झोला असरफी गायब ठीक रे। कहा गुरु बेटा तब यही रात भर रह जाए ना क्या फर्क पड़ता है। तो जो सोने सिकर असरफी ना वो अंधेरा था वो भय कर रहा था, आज तक भय नहीं होता था उस जंगल में। मतलब यह है जितनी चाहना होगी जितना मन दौड़ेगा उतना भय में जियो। साहब कहते हैं हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र है बगल में डंडा है सब तरफ मेरी जागीर सब तरफ मेरी बादशाह। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब भी अपना घर बार छोड़कर उठा डंडा और भिक्षा पागल वाली का चलो। मतलब यह है निश्चिंत निर्भय होकर कीजिए, चाहना छोड़ कर कीजिए, कामना छोड़ कर कीजिए, सब समय जागिरी सब समय जागिरी। आखिर यह तन खाक मिलेगा कहा फिरत मगरूरी में। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हें किसका अहंकार है, मगरूर होकर घमंड में चूर होकर अहंकार में डूब करके क्या छाती तान करके घूम रहे हो। एक दिन तुम्हारा ये शरीर खाक में मिल जाएगा, मुट्ठी भर राख हो जाएगा ये शरीर। उस दिन की याद है या नहीं है? जब वो दिन आएगा तो हमारा साथी क्या होगा,
कौन काम आएगा? धन काम आएगा, पद काम आएगा, प्रतिष्ठा काम आएगी, फैक्ट्री काम आएगी, दुकान काम आएगी, मान महंति काम आएगी, पत्नी बच्चे पति पिता पुत्र कौन काम आएगा? शरीर ही जब नहीं रहेगा तो किससे क्या संबंध रह जाएगा? सारा अहंकार शरीर तक है, और शरीर कब गल जाए, कब लुढ़क जाए, कब मिट्टी में मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं है। सब पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन शरीर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कहीं भी किसी भी क्षण ये शरीर मौत के मुख में जा सकता है, इसका विनाश रखा रखाया है। और शरीर नष्ट हुआ, सब कुछ समाप्त, किसका अहंकार? अहंकारी बन करके न जिए, विनम्र बन करके जिए, सरल इंसान बन करके जिए। विनम्रता ही कल्याण का पथ है, विनम्रता ही शांति सुख का पथ है, विनम्रता ही फकीरी है, विनम्रता ही साधुता है, विनम्रता इंसानियत है, मनुष्यता है। अहंकार केवल मूर्खता, और अहंकार सदैव उन वस्तुओं का होता है जो वस्तुएं हमारी अपनी नहीं होती है, मायावी होती है, मिलती है बिछुड़ती है। हमारा अपना तो अपना आपा है, चेतन स्वरूप, उसका अहंकार कभी होता है? और फिर शरीर का अहंकार, ये तो हर दर्जे की मूर्खता। हमारा शरीर ऐसा जवान, ऐसा सुंदर, ऐसा गोरा, तुम्हारे शरीर में भी वही मांस भरा है, वही हड्डी भरी है, वही टट्टी पेशाब भरे हैं, वही खून भरे हैं जो एक अन्य आदमी के शरीर में है। सुंदर से सुंदर जवान बलवान, किसी दिन आठ दस बस दस दस जाना पड़ गया, बस सुंदरता गायब। दो चार दिन बीता पड़ा ना बुखार, बस शरीर ढीला ढाला। देखते 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 तो है रोज, लेकिन अहंकार गलता नहीं। साहब ने कहा फिरत मां गुरु जी में, इस शरीर को मिट्टी में मिलना है, मुट्ठी भर राख होना है, किसका अहंकार करते हो? विनम्र बनकर जियो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सदगुरु कबीर कहते हैं साहेब परमात्मा आत्मा मोक्ष परमानंद सबूरी में मिलेगा, संतोष में मिलेगा। सब तरफ से अपने आप को अलग कर न्यूट्रल कर लेने में मिलेगा। परमात्मा को, आत्मा को, मोक्ष को, भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संतोष की जरूरत है, सरलता विनम्रता की जरूरत है, अंतर्मुखता की जरूरत है। लेकिन हमें संतोष नहीं है, विनम्रता हम में नहीं, अंतर्मुखता नहीं है, बस भटक रहे हैं बाहर। जो मिला है जितना है संतोष करके देखो, आनंद आनंद के प्राप्त, मन का सब समय संतुष्ट निर्भय शांत रहना, यही साहेब का मिलना है। और कहीं साहब कोई मिलेगा नहीं, यही अपने आत्मा से मिलना है। और कैसे मिलेंगे आत्मा से? मन अंतर्मुख हो गया, शांत है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, निर्मल है, बस आत्मा में परमात्मा से मुलाकात हो गई, तो फकीरी सरलता विनम्रता निश्चिंतता निर्भयता संतोष, ये फकीरी है, और यही अपने साहेब से मिलने का रास्ता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, मलिनता ना हो, विकार ना हो, इमेक्यूलेट जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, प्योर। शुद्ध का मतलब प्योर तो है ही, परवर्सनलेस इमेक्यूलेट ज्ञान स्वरूप। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, एसेंस ऑफ नॉलेज, इंबॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, अजर, कभी जीर्ण न होने वाला, कभी पुराना न होने वाला, एक रथ रहने वाला, अनडिकेइंग। अंग्रेजी में कहें तो अजर का अर्थ होगा अनडिकेइंग, अमर, इमॉर्टल, कभी न मरने वाला, अखंड, कभी न टूटने वाला, इंडिविजिबल, अनुपम, यूनिक। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, कभी पुराना न होने वाला, कभी न मरने वाला, कभी न टूटने वाला, सबसे विलक्षण चैतन्य हूं। इस मंत्र का यही भाव है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम।